नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। सोशल मीडिया पर खुद को सेना का जवान बताकर ठग ने सागर के एक युवक से धोखाधड़ी की। ठगी के शिकार हुए युवक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। शिकायतकर्ता शुभम चौरसिया उम्र 26 साल निवासी काकागंज के ने बताया कि 24 अप्रैल को सोशल मीडिया में उसने सेल के लिए एक कार देखी जिसमें मोबाइल नंबर भी दिया था। कार पसंद आने पर शुभम ने उक्त मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो कार मालिक से बात हुई। कार मालिक ने अपना नाम जालाराम शर्मा निवासी राजस्थान होना बताया। साथ ही उसने खुद को सेना का जवान भी बताया। उसने कहा कि मेरा ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हो गया है, इसलिए कार बेचना है। कार 3.5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। युवक ने मोल भाव कर 2,90,000 रुपए में कार का सौदा पक्का किया। सौदा पक्का होने के बाद ठग ने कहा कि कार उसके घर आने के बाद ही वह पेमेंट करेगा। उसके साथ ही ठग ने अपना सेना का परिचय पत्र भी दिया। इसी बीच उसने शुभम से कार का परमिट, कागजात, ट्रांसफर आदि कार्य कराने के नाम पर बैंक खाते में थोड़ा थोड़ा कर 65,000 रुपए डलवा लिए। पैसा ट्रांसफर करने के बाद शुभम ने ठग द्वारा दिए गए सेना के परिचय पत्र की जांच की तो पता चला कि वह परिचय पत्र फर्जी है। धोखाधड़ी होने के संदेह पर शुभम ने ठग को फोन लगाया। धोखाधड़ी होने पर शुभम ने मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में की। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच में लिया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।